संचालित कर रखा है और उसका आज दूसरा दिन है जिसमें श्रीमती संतोष जी हमारे साथ हैं। और श्रीमती संतोष जी गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पांडु पिंडारा में एक इंग्लिश लेक्चरर के रूप में काम करती हैं। और सबसे ये कहा जाए कि जो शिक्षक हो वो देश का निर्माता हो है, क्योंकि उसके हाथा में बड़का की बागडोर हो है। और उस बात ने संतोष जी को खूब भी समझा है और समझते हुए निभा भी रही है। और बड़ी खास बात है कि एक बड़ी गर्व की बात है कि बच्चा ने अध्यात्म की ओर ले जा रही, क्योंकि जब बच्चे अध्यात्म की ओर जाएंगे तो देश का भविष्य तो अपने आप अध्यात्म होगा। और दूसरी बात, अगर मैडम जी से बात करिए तो पता चला कि लगभग 2000 से भी ऊपर बच्चों को सिखा चुकी है मैडम, ध्यान करने में 2000 से भी ऊपर बच्चों को लगा चुकी है। और अपने साथ जो भी स्टाफ है, स्टाफ मेंबर है, उनकी जानकारी में जितने भी लोग हैं वो सारे ध्यान तक जोड़ रखे। और देखो जो हमारा शरीर है वो के है, प्राण के कारण ही शरीर है, नहीं तो जिस दिन प्राण निकल गया उस दिन डेड बॉडी बन जाएगी और थोड़े 2-3 घंटे में उठाकर भूखे होंगे। लेकिन प्राण के कारण हम जिंदा है और प्राण के जो हमारे श्वास है, श्वास से हमने प्राण शक्ति मिला है, श्वास के कारण हम जिंदा है। और ये श्वास किस तरह से हमारे जीवन में मदद कर रहे हैं और किस तरह से ये श्वास जादू का पिटारा है, इन श्वासों पर अगर हम काम करें तो जिंदगी में जो चाहे वो पास करें। साथ साथ ही हमने जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, जो अंतिम उद्देश्य है वो पाना है, श्वास द्वारा ही हमने भगवान की प्राप्ति हो सके है और श्वास द्वारा ही हम मोक्ष प्राप्त कर सके हैं। और आज जो श्रीमती संतोष जी का जो विषय है वो भी है श्वासों का विज्ञान, मतलब श्वास कैसे काम करते हैं, वो हमारे जीवन में क्या महत्व है, हम उन्हें किस तरह काबू कर सके हैं और किस तरह उन पर काम कर सके हैं, ये सारी बात आज अपने वक्तव्य में श्रीमती संतोष जी सुनावेंगी। और आज की मुख्य स्पीकर श्रीमती संतोष जी आपके साथ हैं। और अभी श्रीमती संतोष जी आपका पीएमसी हरियाणा जलन पर बहुत बहुत स्वागत है, अपने दर्शन दो और सारे अपने विचार साझा करो। संतोष जी आपका स्वागत है, आइए। हेलो हेलो, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद सरिता मैम। हेलो, हाँ आ रही आवाज संतोष। हाँ जी, हाँ जी, ओके मैम, नमस्ते मैम, नमस्ते मैम। सबसे पहले हमारे पीएसएसएम चैनल के फाउंडर श्री ब्रह्म ऋषि पत्री जी का श्री चरणों में मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। श्री चरणों को स्पर्श तो नहीं करने देते कभी, क्योंकि बहुत उच्च ख्यालों के हैं पितामह पत्री जी, और वो शरीर को नहीं मानते, वो एक आत्मा को पहचानते हैं, उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, सभी आत्मा जो है बराबर हैं, इसलिए कभी चरण स्पर्श नहीं करने देते पितामह पत्री जी। उनका लक्ष्य बहुत बड़ा है, पीएसएसएम मूवमेंट एक बहुत बड़ा एक आंदोलन है जिसमें हर जीव की रक्षा करना, पूरे इकोसिस्टम को संभालना, उसका जिम्मा उन्होंने अपने हाथों में ले लिया है। और इसी आंदोलन में 3 मुख्य आधार स्तंभ उन्होंने बताए हैं, शाकाहार, ध्यान और पिरामिड। ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। जब हम ध्यान में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली शाकाहार अपने आप ही स्वाभाविक रूप से हम शाकाहार बन जाते हैं, और जब ध्यान करते हैं तो उसको ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए एक पिरामिड की सर्च की गई, एक ऐसी आकृति जो कॉस्मिक ऊर्जा को एकत्रित करके मानव शरीर की हीलिंग और चारों तरफ के वातावरण को बहुत ही शुद्ध और एनर्जेटिक बना देती हैं। वो एम्पलीफायर का काम करते हैं पिरामिड। ये कोई एक पुरानी विद्या है, कोई नई खोज नहीं है, इसका पुनर्जीवित करने का श्रेय श्री पत्री जी के सिर पे जाता है।
ये पुरानी विद्या है जिसमें सभी सन्यासी लोग जो है तपस्या करते थे, और हमारा भी ख्याल ऐसा ही था स्टार्टिंग में कि ध्यान तो एक बहुत उच्च कोटि के जो साधु संत होते हैं पहाड़ों में जाके वो ध्यान कर सकते हैं, एक आम मानस जो है ध्यान करने में सक्षम नहीं है, लेकिन पत्री जी ने इसको बहुत ही सरल विधि से जो है लोगों को समझाया, आम मानस के जीवन में बड़ा कारगर सिद्ध हुआ ये, और एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप इसने ले लिया। इसी लक्ष्य को आगे ले जाने के लिए बड़े बड़े पिरामिड मास्टर्स सामने आए, सीनियर मास्टर्स हमारी मैम संगीता नेहरा जी जो कि आयुष विभाग में निदेशक हैं, राम राजू सर, मैम रागिनी और अन्य ग्रेट मास्टर्स हैं पत्री जी के सपने को साकार करने में जो बहुत इम्पोर्टेंट बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मैम संगीता नेहरा जी का सिर्फ एक निदेशक से इंट्रोडक्शन करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बहुत अधूरा लग रहा है मुझे। थोड़ा सा मैं 2 मिनट मैम के बारे में बताना चाहती हूँ। मैम जो है एक बहुत ही बड़ी आत्मा है, हर जीव जंतु का ध्यान करना, पूरे सिस्टम को संभालना, हर छोटे से छोटे जीव की रक्षा करना, पौधा जगत, हमारा दूसरा जीव जगत, सभी की रक्षा करना की जिम्मेदारी उन्होंने ली है, और एक तूफान की तरह प्रगति के पथ पर हैं। उनको दिन रात कोई ख्याल नहीं है अपना, वो सिर्फ समाज कल्याण और मानव हित के लिए, सभी जीव हित के लिए, हमारे पूरी धरती माता के लिए दिन रात काम कर रही है। तो इसलिए सिर्फ एक डेजिग्नेशन से उनको मैं नहीं इंट्रोड्यूस करवा सकती। इनके पीछे बहुत ही जो ऐश्वर्य जो वक्त पर्सनालिटी है हमारे श्रीमान डॉक्टर नेहरा सर, उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैम को पूरा जो है टाइम डिवोट करने के लिए उन्होंने अलाउ किया है, अकेला यही नहीं बल्कि एक फ्लैग बीरर का काम कर रहे हैं, वो आगे चल के डायरेक्ट रूप से ध्यान नहीं करवा रहे लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो हमारे पूरे मोमेंट में पूरा योगदान डालते हैं। तो उनके श्री चरणों में बहुत बहुत नमस्कार। आज मुझे बोलने का मौका मिला है, थोड़ा सा मैं अपने जीन ध्यान के बारे में बताना चाहूंगी। हमारी एक बड़ी श्रृंखला है, 2017 में हम ध्यान में आए और बहुत बड़ी टीम है जीन में। 17 में आने के बाद कोई दिन ऐसा नहीं गया जब हमने ध्यान नहीं किया हो। बड़े बड़े ग्रेट मास्टर्स हैं हमारे जीन में जिनको थर्ड आई एक्सपीरियंस हुआ है, आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस है, उनको हर तरह का ज्ञान है, लेकिन मैं तो उनकी एक छोटी सी कड़ी हूँ। तो मैम को का बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने मुझे मौका दिया। आज का मेरा जो टॉपिक है वो श्वसन विज्ञान है। श्वास विज्ञान जो है ही सब कुछ श्वास का मामला, अगर श्वास नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। श्वास जो है प्राण ऊर्जा है हमारी, जो एक कड़ी का काम करती है, हमारे शरीर और हमारे प्राण के बीच में जो है ये पूरा जो है तालमेल बना के रखते हैं। शरीर निर्जीव हो जाता है यदि हमारे पास प्राण नहीं है तो प्राण ऊर्जा के साथ साथ मन को भूलना भी गलत है। हमारा जो माइंड है वो भी अपनी चालाकियां खेलता रहता है। माइंड को कंट्रोल करने की पूरी बागडोर जो है हमारे श्वास की है। इसी भूमिका को निभाने के लिए ध्यान की प्रक्रिया अपनाई जाती है ताकि हमारी आत्मा निष्प्रभाव रहे, कोई प्रभाव ना रहे, हम निर्विचार होके जिए जिंदगी को। कई बार ये इतने इंटरमिक्स हो जाते हैं, प्राण ऊर्जा और मन दोनों इतने इंटरमिक्स हो जाते हैं कि इनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। इवन
आफ्टर डेथ भी ये साथ में उलझने का प्रयास करते हैं, इसलिए हमें प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए। श्वास ही हमारा गुरु है, अगर श्वास नहीं है तो हम कुछ नहीं हैं। वी ऑल आर सोल्स इन सम फॉर्म ऑफ बॉडी, हम सभी आत्माएं हैं, हम शरीर नहीं हैं। वी आर नॉट बॉडी विद सोल, वी आर सोल विद बॉडी, यानी हम आत्माएं हैं, हम शरीर नहीं हैं। हमारी पहचान यही होनी चाहिए कि हम एक आत्मा हैं। ध्यान में तीन मुख्य सिद्धांत हैं, नो हरी नो वरी नो वेस्टेज ऑफ टाइम। बिना किसी सोचे समझे इन तीनों सिद्धांतों को हमें पालन करना चाहिए, ताकि हम किसी बिना किसी टेंशन के अपने पथ पर अग्रसर रहें। ह्यूमन जो मानव है, मनुष्य है, वो विकसित आत्माएं हैं। हम ध्यान करके अपने कर्माज को बदल सकते हैं। जो दूसरे जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, वो इस कार्य में सक्षम नहीं हैं। वो हमारे ऊपर पूर्णतया निर्भर हैं। ग्रुप सोल्स जो है वो हम पर डिपेंड हैं, तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी हमारी ही बनती है। ह्यूमन बींग्स जो है अपना भी सुधार कर सकते हैं, पर्यावरण का भी सुधार कर सकते हैं, लेकिन जो छोटी आत्माएं हैं, जैसे पौधा जगत है, पत्थर जगत है, पशु पक्षी जगत है, वो सभी हम पर पूर्णतया निर्भर करते हैं। अगर किसी मान लिया एक जीव जंतु को हम परेशान करते हैं, तो सभी जीव जंतु जो है वो इकट्ठे होके उस समस्या का सामना करते हैं। अगर हम किसी एक जीव को प्यार प्रेम से सहलाते हैं, तो सभी जीव जंतु हम उनके साथ मिलके हमारा धन्यवाद करते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। ऐसा हम अनेक बार महसूस भी कर सकते हैं। चाहे कोई छोटा कुत्ता देख लीजिए, चाहे चींटी देख लीजिए, एक चींटी को हम डिस्टर्ब करते हैं, एक चींटी को यदि हम उसका रास्ता भटकाने की कोशिश करते हैं, तो 10 चींटियां उसके चारों तरफ से आ जाती हैं। इसलिए किसी भी जीव जंतु को जरा सा भी नुकसान हमें नहीं पहुंचाना चाहिए। चाहे पौधा जगत है, वो हमसे बातचीत कर सकते हैं, वो महसूस करते हैं, जैसा हम उनके नजदीक जाके जैसे विचार हम प्रकट करते हैं, वैसे ही वो हमारे साथ भी रिएक्ट करते हैं। यदि हम उनके साथ ध्यान करते हैं, ऊर्जा का संचार पौधों से हमारे शरीर से होता हुआ पूरा पर्यावरण जो है ऊर्जावान हो जाता है। ऐसे ही एनिमल किंगडम है, यदि हम ध्यान करते हैं पशु जगत में बैठ के, तो वो भी सभी ध्यान में लग जाते हैं और वहां का वातावरण एनर्जेटिक हो जाता है, ऊर्जावान हो जाता है। हमने ऐसा महसूस किया 2017 में, मैम का काम करने की शैली मैंने देखी, उन्होंने पशु जगत के लिए बहुत काम किया, ऐसा काम किया जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वहां पे पशुओं के लिए मैम ने एक प्रैक्टिकल करने का भी मौका हमें मिला, तो वहां पे हमने बहुत ज्यादा पशुओं की मौत होती थी, बहुत बीमार गाय थी, वहां पे पिरामिड का निर्माण मैम ने तन मन धन से पूरी शक्ति झोंक के 4 पिरामिड का निर्माण किया। उस नंदीशाला में पशुओं की स्थिति बहुत बेहतर हो गई। हम सभी वहां ध्यान करते तो छोटे छोटे गाय के बछड़े और गौ माता चारों तरफ से बैठ जाती थी और उनके सेहत में भी बड़ा सुधार होता था। ये प्रैक्टिकल हमने देखा है। तो जो भी इसके सिद्धांत हैं, PSSM के जो सिद्धांत हैं, वो एकदम साइंटिफिक हैं, ये वैज्ञानिक हैं, प्रूव्ड हैं। एक मांसाहार व्यक्ति को शाकाहार बना देते हैं, हिंसक को अहिंसा की तरफ ले जाते हैं इनके जो सिद्धांत हैं, और भौतिक पाखंडों से काफी परे वैज्ञानिक आधार पर बिल्कुल इनको बनाया गया है। अगर हम अपने श्वास के मास्टर नहीं बनते, तो बार बार जो है हमें इसी धरा पे आना पड़ता है, इसी धरा पे हमें जन्म लेने पड़ते हैं। बार बार जन्म होता है, मृत्यु हो जाती है, फिर जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु हो जाती है। इसलिए हमें अपने श्वास का, अपने खुद का मास्टर हमें बनाना होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम,
यदि हम बार बार अपने सिद्धांतों पे नहीं चले, यदि हमें अपने श्वास को पूरे कंट्रोल में नहीं किया, श्वास के साथ नहीं रहे, हमने उसको अपना मास्टर नहीं बनाया श्वास को, तो बार बार हमें इस धरती पे जन्म लेना पड़ेगा और बार बार मृत्यु होती रहेगी। अगर हम उन्नति करना चाहते हैं, अपने कर्माज को हमें सुधारना होगा। PSSM के जो सिद्धांत हैं, शाकाहार जगत, पौधा जगत जो है, शाकाहार को जो है अपनाना होगा। हमें मेडिटेशन करो, ध्यान करो और साथ में पौधा जगत, पत्थर जगत सभी की हमें सेवा करनी होगी अपने कर्माज को सुधारने के लिए। अब श्वसन के बारे में थोड़ा सा हम गहराई की तरफ चलते हैं। हम विचार करते हैं ध्यान का उद्देश्य क्या है। ध्यान का उद्देश्य अनंत है। जैसे ध्यान में हम आगे बढ़ते हैं, जीवन में आनंद बढ़ता चला जाता है। यही ध्यान का मकसद है। ध्यान की भी अलग अलग अवस्थाएं हैं। यह मन का स्वामी है। तीन पक्ष हैं इसके। आनापान सति, अपने कोमल स्वाभाविक टेंडर श्वास के साथ रहना, इसको हम आनापान सति के नाम से पुकारते हैं। कायानुपसना, काया मीन्स हमारा शरीर, शरीर में होने वाले परिवर्तनों को महसूस करना। जब हम ध्यान में बैठते हैं, समय बिताते हैं, धीरे धीरे विचारों का आवागमन कम होने लगता है और हमें अपने शरीर में एक ऊर्जा का अनुभव होने लगता है। उन गतिविधियों को जब हम ध्यान से नोट करते हैं, ध्यान की इस अवस्था का नाम कायानुपसना है। तीसरी, इसी कड़ी की तीसरी अवस्था है विपसना। आनापान सति से अभ्यास पर तीसरी आंख के अनुभव आरंभ होने लग जाते हैं। अलग अलग तरह का प्रकाश दिखाई देने लग जाता है। वो चक्रास के, अलग अलग चक्रास के खुलने से अलग अलग तरह का प्रकाश दिखाई देता है। कभी हरियाली के नजारे होते हैं, कभी पहाड़ों में जाते हैं, इतना आनंद आता है उस स्टेज पे। तो इस स्टेज का नाम हम विपसना कहते हैं। तो ये तीनों अवस्थाएं, जब हम ध्यान में, गहरे ध्यान में उतरते हैं, तीनों अवस्थाओं का आनंद हम ले लेते हैं। अब ध्यान से आगे दूसरी जो अवस्था है वो ज्ञानोदय की है, ज्ञान का उदय होना। आनापान सति के निरंतर अभ्यास से विपसना की अवस्था में प्रवेश करते हैं और समझ जाते हैं कि हमारे पास भी दिव्य चक्षु है। थर्ड आई एक्सपीरियंस होने लग जाते हैं। हम एक आत्मा है, यही ज्ञानोदय कहलाता है। हमें ज्ञान हो जाता है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है और हमारे पास भी दिव्य चक्षु है। इस स्टेज को हम ज्ञानोदय के नाम से अंकित करते हैं। ज्ञानोदय के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए हम अपने मन के स्वामी बनने लगते हैं। मन बाहर नहीं भटकता। जैसे हम चाहेंगे, कल जैसे मैम ने, बलबीर कौर ने एक बड़ा अच्छा सेंटेंस बताया था कि अपना जो दिमाग है, जो दिल है, उसको एक टूल के रूप में इस्तेमाल करें, एक औजार के रूप में इस्तेमाल करें। जैसे ही काम पूरा हुआ उसको बंद करें, दूर रखें, अपनी आत्मा को कोमल और शांत रखें। ऐसा ना हो हम शांत बैठे हुए भी शांत न बैठ पाए। इस मन के ताने बाने को हमें दूर करने के लिए अपने श्वास के साथ जाना पड़ता है। ध्यान तो एक पहलू है, इसके अलावा इस अवस्था को स्थिर बनाने के लिए हमें स्वाध्याय और सज्जन संगत का सहारा लेना पड़ता है। ये दोनों बहुत जरूरी हैं। अपने श्वास को अपने शांत रखने के लिए, अपने मन को अपने काबू में रखने के लिए और ध्यान में रहने के लिए इनका 30-30%, 30-30% का योगदान सज्जन संगत और स्वाध्याय का भी है। इसलिए इनसे हमें दूर नहीं रहना चाहिए। यानी इतना ही योगदान हमारे ध्यान का है, इतना ही सज्जन संगत का है और इतना ही लगभग 40% बल्कि स्वाध्याय का है। इसलिए ध्यान के स्थायित्व के लिए इन
तीनों को बना के रखना बहुत जरूरी है। इन दो के बिना ज्ञानोदय परिपक्व नहीं होता। ज्ञानोदय में दो और चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। किसी बात के लिए हमें विलाप नहीं करना चाहिए। हमें जुनून हो जाता है, हाय मेरे साथ ये नहीं हुआ, तो उसके पीछे हमें ऐसे नहीं भागना चाहिए, विलाप नहीं करना चाहिए। ये मानना चाहिए अब मेरी हार हुई है तो आगे मेरी जीत हर हाल में होगी। दूसरा क्या है, समय बेकार नष्ट न करें। पत्री जी के तीन सिद्धांत हैं, नो हरी नो वरी नो वेस्टेज ऑफ टाइम। कहीं जल्दबाजी भी न करें, वो बोलते हैं ना इतनी जल्दी ना करें कि देर हो जाए। कहीं चिंता नहीं करें, अगर मान लिया कहीं हमारी पराजय हो भी गई तो ये मान लेना चाहिए अब जीत का समय आ गया है। और कभी भी बेकार की बातों में गॉसिप में हमें समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अपने हर मोमेंट को, मान लिया आप एक पल के लिए आंखें बंद नहीं कर पाते, वर्क प्लेस पे हैं, बातचीत चल रही है, कहीं बस में है, तो आप बजाय उसमें शामिल होने के आप शांत बैठिए, विचारों को शांत कीजिए और श्वास के साथ हो जाइए। तो इससे हम अपना वेस्टेज ऑफ टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। आज की विफलता के बाद हमें यह समझना चाहिए कि अब हम सफलता मिलेगी, इसी समझ से हम आनंद मनाते हैं। दूसरा यह कि हमें अपना हर क्षण रचनात्मक कार्यों में लगाना चाहिए, क्रिएटिविटी में लगाना चाहिए। जागृति तीसरी अवस्था है इसी की। जागृति का मतलब जाग जाना। केवल ज्ञानोदीप लोग ही हर परिस्थिति में जागृत रह सकते हैं। जिनको ज्ञान हो गया है कि हम एक आत्मा हैं और हमें किसी और चीज में शामिल नहीं होना, तो वो लोग जो है जागृत हो जाते हैं। जागृति का मतलब क्या कहेंगे, पूरी संपूर्णता के साथ जीना। किसी मोमेंट को आधे अधूरे मन से नहीं जिए, पूरी संपूर्णता के साथ जिए, यहां और अब की भावनाओं के साथ बहना ही खुशी खुशी से ये जागृति है। जो आज की स्थिति है उसी के साथ, जैसी स्थिति है हम जहां भी हैं वहीं खो जाएं, उसी में मस्त हो जाएं, इसको हम जागृति के नाम से जानते हैं। जीवन का आनंद ये अंतिम अवस्था है। जब यहाँ तक हम ध्यान में पहुंच जाते हैं, हमें पता लग जाता है हर चीज का, हम क्या हैं, हमें कैसे समय बिताना है, हमें हर चीज की जागृति हो जाती है, तो आनंद शुरू हो जाता है। फिर ध्यान का अंतिम प्रतिफल है ज्ञानोदय, ज्ञानोदय का अंतिम फल जागृति है, जागृति का चरम फल जीवन का आनंद है। अब तो हर क्षण आनंद है, हर स्थिति का अपना मजा है, अब तो जीवन गतिशील है और अलौकिक हो गया है। अतः हर शब्द अब तो डायनामाइट बन चुका है, हर कर्म कला है और महानता का नमूना, और अब तो जीवन निरंतर उत्सव बन गया है। इस जीवन का आनंद के तो अनिवार्य पक्ष हैं। इस आनंद को बनाए रखने के लिए हमें दो पक्ष बड़े ध्यान से नोट करने चाहिए, देना और लेना। हर परिस्थिति में दो भी शालीनता पूर्वक और लो भी शालीनता पूर्वक। कई बार हम मानते हैं हमारी ईगो हर्ट हो जाएगी, हम क्यों लें किसी का, तो बड़ी शालीनता पूर्वक भी नम्रता पूर्वक ग्रहण भी करो, और कोई भी उपहार है कोई भी चीज है तो आपस में लेने देने में कोई बुराई नहीं। जैसे गुरु नानक जी करते थे, दरिया दिली से दो और दरिया दिली से लो। तो पूरी मस्ती के लिए हमें इस ध्यान के मार्ग पे चलना बहुत जरूरी है। इन सभी अवस्थाओं को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इतने मास्टर्स का जो रेला नहीं, रेला कहेंगे इसको, रेल नहीं रेला कहेंगे, इतने मास्टर्स हमारे तैयार हो गए हैं पूरे हरियाणा में। बड़ा गर्व होता मुझे, चारों ओर ध्यान की लहर दौड़ रही है। सुबह शाम बड़ी बड़ी क्लासेस ध्यान की चल रही हैं, कोई शहर ध्यान से अछूता नहीं है।
तो मैडम संगीता नेहरा को भगवान यूं ही शक्ति दे, हमारे जैसे मास्टर्स ये तैयार करते रहें और ऐसे ही और ज्यादा हमारा पूरा हरियाणा, पूरा नॉर्थ इंडिया, पूरा भारत, पूरे जो है दुनिया ध्यान मगन हो जाए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अनम्यूट करो सरिता मैडम। सरिता मैम अनम्यूट। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष मैम जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से जो स्वास्थ्य विज्ञान है उसके बारे में पूरे विस्तार से बताया, और आपकी बात तो मैं छोटी छोटी बातें नोट भी करती जा रही थी, जिनको एक बार दोबारा से हम हाईलाइट करेंगे तो जीवन में उतर जाएंगे। एक तो मतलब अपने जो मनुष्य जीवन है उसके साथ साथ हमने दूसरे जीव जंतुओं का भी ध्यान रखना, क्योंकि वह जिम्मेवारी भी हमारी ही है। यह चीज मुझे बहुत बढ़िया लगी और ये चीज में दोहराना चाहिए। दूसरा, आपने जो ध्यान की तीन अवस्थाएं बताई, आनपान, सती, जो हमारे श्वास की क्रिया है, जो सामान्य हम श्वास लेते हैं उसके बारे में आपने बताया। दूसरा, काया अनुपासना, जब हम ध्यान करते हैं, श्वासों पे ध्यान जाते हैं, तो हमारे शरीर में जो भी स्पंदन होते हैं, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो परिवर्तन होते हैं, उसी को काया अनुपासना आपने कहना चाहा, मेरे को यही समझ में आया इस बात से। और तीसरा, विपासना, जो चरम अवस्था है जब हमारी तीसरी आंख खुल जाती, जो हम अपने शरीर से दूर होकर अलग अलग दृश्यों का अनुभव करते हैं, तो वो तीसरी अवस्था अंतिम अवस्था मानी गई है ध्यान की। और दूसरा, आपने कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताई मैम, जो जीवन में अपनानी चाहिए भी। एक तो किसी भी चीज का विलाप नहीं करो, हमने ये नहीं मिला वो नहीं मिला, जितना मिल गया वो हमारा सौभाग्य है। तीसरा मैडम आपने की भी समय नष्ट ना करो, एक सीधी सी बात है, जो श्वास आ रही है वह महत्वपूर्ण है, कि अगली का हमने नहीं मेरा आवेगी या नहीं आवेगी, तो जो आ रही है उस पर ध्यान लगाओ, कि समय बिल्कुल भी नष्ट ना करके, आगे किसी चीज का इंतजार ना करके, जित भी हो जो भी हो वही अपने सांस पर ध्यान लगाना शुरू कर दो। और तीसरा मैम, हर क्षण रचनात्मक कार्यों में आप लगे रहो, क्योंकि ये तो न्यूयॉर्क का अगर सामान्य सी बात है, हम साधारण भाषा में भी कहें खाली दिमाग शैतान का घर, तो खाली रहेंगे तो फालतू के विचार आएंगे, इससे अच्छा अपने रचनात्मक कार्य में लगे रहो। दूसरा, आपने मैडम बताया कि जागृति के बाद जीवन का आनंद जो है अंतिम फल है, और वो तो विपासना के बाद ही हमने अंतिम फल मिलेगा, जीवन का आनंद मिलेगा, और उसके खातिर हमने ध्यान लगाना शुरू करना पड़ेगा। और मैडम आपने एक बहुत बढ़िया बात की लेना और देना शालीनता पूर्वक करो, ठीक है, हमने कई बार लेना भी पड़ जाए, और भी लेना लेन की बात हो रही है, तो मैंने भी तो आपके विचार लिए, मैंने भी तो आपसे ज्ञान ग्रहण कराया, तो ले बिना तो सरती है कौन है, लेना तो हर जगह पड़ा है, और लेना और फिर देना भी, जो मेरा अनुभव है थोड़ा बहुत मन में ज्ञान हो, किसी और से भी देना चाहिए, मैं तो इस बात में याद न्यू में जोड़ना चाहूंगी। और दूसरा भी, ये शालीनता पूर्वक होना चाहिए बड़ी, क्योंकि अब शालीनता पूर्वक करेंगे जब तक हमने शालीनता मिलेगी, जब तक तो हम भी शालीन को आवेंगे। तीसरा मैम, एक शब्द बोला आपने रेला, क्योंकि इसमें दूसरे स्टेट के लोग भी जुड़ रहे होंगे, वो रेला बोल रहे थे शायद समझ में ना, वो हरियाणवी में रेला रेला शब्द है, वो एक बिग ग्रुप है, क्राउड है, जिसको बोल सकते हैं मैम, मतलब तो पूरा रेला का रेला ध्यान में बैठ गया है। और मैम बहुत आनंद आया आपके साथ बातचीत करके, और अब मैं मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंच पर आने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए, और सच में आपकी बातें सुन के ऐसा अनुभव हो रहा था कि दिव्य आत्मा बोल रही है, दिव्य आत्मा अपने विचार प्रस्तुत कर रही है। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अब अपनी जो संध्या है वो भजन के बिना पूरी नहीं होए, संध्या में भजन भी जरूरी है, तो हमारे साथ सूर्य देव जी जो हिसार में, हरियाणा में हिसार से हैं, वो आएंगे और अपना भजन प्रस्तुत करेंगे। सूर्य देव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप जल्दी से आइए और अपने भी दर्शन दीजिए। चलो इतने थैंक यू सरिता मैडम, मन ने भी टाइम मिल गया, बस सूर्य देव जी जुड़न लग रहे हैं। हाँ, और मैं संतोष मैडम के बारे में, ये जो है ये संतोष मैडम साइलेंट वर्कर है,
इसने न्यू बेरा भी ध्यान सिखाना है बालका था ही, और अपने बस चुपचाप लगी रहती है, बताती नहीं है, दूसरों के बारे में बताती है पर अपने बारे में कभी नहीं बताती कि कितने लोगों को ये ध्यान सिखा चुकी है और कितने बच्चों को ये डेली ध्यान सिखाती है। जब भी मतलब स्कूल में टाइम मिलता है, जब भी मतलब ये ध्यान के बारे में बात करती है और पूरे स्कूल में, और बल्कि जो टीचर है इनके साथ के सारे ध्यान में आ गए, तो और इस बड़ी बात और क्या चाहिए। नंबर एक। नंबर दो, मेरे जो जो चीज याद आ रही है, अभी मैडम ने एक शब्द बोला था, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरनम, मतलब ये एक ऐसा शब्द है जो मेरे को छूता है, मतलब जिससे हम अपने पूरे इस वर्ल्ड की समस्या को दूर कर सकते हैं। इतना बड़ा शब्द है ये जो मैडम ने बोला है, और हमने तो बहुत बार चर्चा करी है मैडम, आपके याद होगा संतोष मैडम, जी मैम, मतलब मेरे ख्याल तो कोई ऐसा स्कूल नहीं छोड़ा होगा जहाँ हमने ध्यान नहीं सिखाया, जहाँ पे हमने पुनरअपि जननम की बात नहीं करी हो। जी मैम है। हाँ और जी मैम, ये एक ऐसा शब्द है गीता में जो पत्री सर बहुत बार बोलते हैं, और गीता में लिखा है कि पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम। यू ये नहीं समझ आया, सारी दुनिया में सिर्फ एक ये शब्द समझ आ जाओ ना, इसके ऊपर पॉलिसी बन जाओ है, तो ये सारे जात पात के झगड़े, अमीर गरीब के, छोटे बड़े के, काले गोरे के, सारे झगड़े खत्म हो जाओ। इतन ने इतनी डिग्री करा के, मन ने इतनी डिग्री कर रखी है, ये सारे झंझट मिट जाओ सारे के सारे। हाँ जी मैम, चलो इसके ऊपर दो लाइन बोल देते, इतने सूर्य देव जी जुड़ेंगे तो मन ने तो मजा सा आ गया, मेरे मन ने टाइम मिल गया कि भाई हमने जो जींद में करा था उसकी बात कर ले हम। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, जब हमने न्यू बेरा पढ़ किया, बेरा नहीं हम कितने जन्म लेंगे और कितने जन्म हम आओगे, कितने जन्म के पाछे हम मरेंगे भी, ये जन्म मरण का तो चक्कर चलना है। तो इसमें कदे तो हम डॉक्टर बन गए, कदे टीचर बन गए, कदे हम इंजीनियर बन गए, कदे हम किसान बन गए, कदे हम हाउसवाइफ बन गए, तो के इसमें जुलम हो गया भाई। कोई हाउसवाइफ बन गया तो हम उसको क्रिटिसाइज क्यों करें? अगर एक बच्चा घना पढ़ाई में आगे लिकड़ गया और एक बालक ना लिकड़ा है, तो उससे ना मतलब घर में कोस कोस को उसका दिमाग खराब करके उसका इतना स्ट्रेस कर दे है, अब वो डॉक्टर की धोरे उसने जाना पड़ा है। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम का मतलब ये भाई, हर आदमी अपने हिसाब से जन्म ले है, अपना उसका एक लाइफ प्लान है, उसका एक अपना जीवन का उसका निर्णय लेता है कि भाई मैंने इस धरती पर आना है और मैंने इतने साल जीना है और इतने साल जी के यो काम करना है। लेकिन इब यह बात हमने पता नहीं, मेरे ख्याल से 40 साल तक तो मैंने नहीं समझ में आई थी यह बात, जब कति 40 साल तली कर ली, जब यह बात समझ आए कि ये जो बालक हैं ये अपने हिसाब से आया करे और अपने आमना उनके ऊपर अपनी अथॉरिटी नहीं थोपनी, अब भाई तुम न्यू करो और तुम न्यू करो। और हम क्या करे हैं, समाज की जो शिक्षा है वह इसी है, अब भाई पढ़ लो रे पढ़ लो रे, मतलब कति न्यू दिमाग, बालक ना भी पढ़ना चाहो ना, भाई नहीं ना, नहीं माँ मेरा संगीत में रुचि है, नहीं माँ मेरा तो पेंटिंग में रुचि है, नहीं माँ मेरा खेल में रुचि है, नहीं माँ मैं यू करना चाहूँ, ना भाई पड़ोसी न्यू करन लाग रहे हैं, तन्ने तो यू करना ही पड़ेगा है। तो या जो पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम है भाई, हर जन्म में हम न्यारे न्यारे काम लेके आवे हैं, न्यारे न्यारे मारे अनुभव है, न्यारा मारा जन्म है और न्यारा मारा मरण है, कदे हम कैंसर तो मरेंगे और कदे हम एक्सीडेंट तो मरेंगे, कदे हम कति 100 साल के बुढ़े होकर मरेंगे, कदे हम 120 साल के बुढ़े होकर मरेंगे, कदे हम 20 साल के मरेंगे। पर यह बात हमने पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पे एक पॉलिसी बन जाओ ना, तो यह सारे झगड़े खत्म हो जाओ भाई, हाय पता नहीं कौन कितने ये जात पात के झगड़े हैं, ये सारे के सारे खत्म, मैं इस जात का हूँ मैं उस पात का हूँ, मैं इस जात का हूँ उस पात का, ये सारे 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 झगड़े खत्म हो जाओगे। और या एक चीज ऐसी है जो हमने संतोष मैडम, हमने तो मेरे ख्याल से कोई जय भगवान जी भी सुनने लाग रहे हैं, हैं और भी हमारे जो जींद के हैं कन्हैया भैया भी सुनने लाग रहे हैं, बड़े बड़े मास्टर हैं, और डॉक्टर धर्मपाल तो अभी चुपचाप सुन रहे हैं। अब डॉक्टर धर्मपाल मैं आपको सुन देख रही हूँ, आपको मैं बुलाना चाहूंगी क्योंकि मैडम के साथ तो आपका बनता है कुछ बोलना, जोगेंद्र जी भी सुन रहे हैं, ये सारे बड़े बड़े मास्टर हैं। मैडम ये छोटे मास्टर नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े डिवाइन मास्टर हैं, छुपे रुस्तम जैसे होता है ना,
ये आपकी मेहरबानी है मैडम, जिन में जो पौध लगा के गए हो आप, ये सब फलीभूत हो रही है अभी बहुत ज्यादा, और आगे आगे बहुत बहुत ऐसे फलीभूत होती रहेगी। चलो ये तो सारा का मिल के काम करने का है हमारा, और अभी तो यहाँ पर इतने बड़े बड़े मास्टर हैं जो आगे हम ध्यान में बढ़ रहे हैं, और जय भगवान जी भी चुपचाप सुनने लग रहे हैं। कल पत्री जी तो बात करी थी मैंने, पता है, और जो पांडु पिंडारा में जो पिरामिड बनेगा उसकी सहमति हो गई, और वो बहुत अच्छा उसका प्रयास चल रहा है। पत्री सर ने बहुत अच्छे तरीके से हम सबको बता दिया है, मुझे पता लगा था। तो जय भगवान जी अपने शब्दों में ही बताएंगे लास्ट में। अभी सूर्य देव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो सूर्य देव जी से हम सरिता मैडम आप इनवाइट करिए, और संतोष मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, और धर्मपाल जी आपने भी दो लाइन बोलनी है छोड़ने से पहले, न्यू नहीं करेंगे नहीं तो समापन। सरिता मैडम थोड़ा कड़क रही हो आज, हरियाणवी में बात हो रही है हमारी, ठीक है? हाँ अनम्यूट कर लो सरिता मैडम, प्लीज अनम्यूट योर माइक मैडम। हाँ जी, देखो संतोष मैम मैम ने तो हमारे ज्ञान का विस्तार कराया था, और जब तक संगीता मैम की उपस्थिति ना हो तो दिन अधूरा अधूरा सारा है। हरी तो और बात करेंगे संगीता मैम पे, और उससे पहले अपने जो सूर्य देव जी जो इजहार से हैं वो एक भजन सुनाएंगे, थोड़ा सा संगीत में माहौल बनाएंगे, और जब संगीत में भी भगवान का वास है और संगीत में भजन के साथ थोड़ा सा ध्यान लगाओगे। सूर्य देव जी आप जल्दी से सामने आ जाओ, अपने दर्शन दे दो और भजन सुना दो। नमस्ते जी, नमस्ते, आ गया मैं, सबको नमस्ते। आइए एक छोटा सा भजन, और ये मानव का तन जो प्राप्त हुआ है वो ईश्वर भक्ति के लिए, ईश्वर भजन के लिए। जीवन बड़ा अनमोल है, और इस भारत भूमि, इस भारत देश में पैदा होने के लिए तो ऋषि महर्षि लालयत रहते हैं कि मेरा जन्म जो है भारत देश में हो, क्योंकि यहाँ की जलवायु, यहाँ का रहना, यहाँ का जो ऋषियों की पावनी भूमि है ये बड़ी पवित्र है। आइए, बहुत सुंदर कवि ने भजन लिखा है जिसमें जीवन बड़ा अनमोल है, बड़ा कीमती है, इन शब्दों पर विचार किया है, और इस अनमोल जीवन का हमें एक एक पल कीमती जो है इसको जाया नहीं करना चाहिए। जिम्मेदारियों को अच्छे प्रकार से निर्वहन करने के साथ साथ ईश्वर का भजन जरूर करना चाहिए। बड़ा आज के समय में मुश्किल हो गया कि दुनिया के लोग भगवान के भजन के नाम पर, भगवान की भक्ति के नाम पर, भगवान के ध्यान के नाम पर भी लोग कुछ करने को तैयार नहीं है। आज के जवानों से बोलो भगवान का भजन करो, सत्संग करो, तो कोई करने को तैयार नहीं है। केवल मंदिर के आगे से निकलते हैं और अपनी गाड़ी से हॉर्न बजा देते हैं, और हॉर्न बजा दिया इसी में भगवान की भक्ति हो गई। यही आज का समय हो गया आज की युवा पीढ़ी से, इसलिए इसकी जगह हमें ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का भजन, ध्यान आंखें बंद करके जरूर करना चाहिए। आइए आप सब मेरे साथ ध्यान एकाग्र करके इन भजनों में मस्त हो जाए। इस भजन के साथ में कवि ने बहुत सुंदर शब्द लिखे हैं। मेरी आवाज आ रही है क्या जी? आ रही है। आप सब तक मेरी आवाज आ रही है? हो जीवन ये अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा है, तूने यूं ही गुजारा। जीवन ये अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा है, तूने यूं ही गुजारा। बड़ा कठिन है मानव का ये मिलना जन्म द्वारा, जीवन ये अनमोल रे,
तूने यूं ही गुजारा, है तूने यूं ही गुजारा। जीवन ये अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, है तूने यूं ही गुजारा। ब्रह्मा विष्णु शिव जी तरसे मानव तन को है, ब्रह्मा विष्णु शिव जी तरसे मानव तन को। रोक सके तो रोक ले पापी चंचल मन को है, रोक सके तो रोक ले पापी चंचल मन को। पछताएगा बह जाएगी जब ये समय की धारा, जीवन ये अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, है तूने यूं ही गुजारा। जीवन ये अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, है तूने यूं ही गुजारा। बड़ा कठिन है मानव का ये मिलना जन्म दोबारा, जीवन तूने यूं ही गुजारा, है तूने यूं ही गुजारा, है तूने यूं ही गुजारा। ओ मस्त हुआ वियों में फंस कर ओ दीवाने, मस्त हुआ विषयों में फंस कर ओ दीवाने। इस जग में आया तू अपना फर्ज निभाने है, इस जग में आया तू अपना फर्ज निभाने। इस दुनिया में आकर तूने कुछ भी नहीं विचारा, जीवन अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, है तूने यूं ही गुजारा। जीवन ये अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, है तूने यूं ही गुजारा। बड़ा कठिन है मानव का ये मिलना जन्म द्वारा, जीवन ये अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, है तूने यूं ही गुजारा, है तूने यूं ही गुजारा। ओम नाम को छोड़ के चला पाप की राही है, प्रभु नाम को छोड़ के चला पाप की राही। ईश्वर के दरबार में देगा कौन गवाही है, ईश्वर के दरबार में देगा कौन गवाही। ओ अभिमानी तूने तोरे, ओ अभिमानी तूने तोरे, हरि का नाम विसारा, जीवन ये अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, है तूने यूं ही गुजारा। जीवन ये अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, है तूने यूं ही गुजारा। कठिन है मानव का ये मिलना जन्म द्वारा, जीवन ये अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, है तूने यूं ही गुजारा, है तूने यूं ही गुजारा। जो वादा करके आया बंदे वो भी भूला, जो वादा करके आया बंदे वो भी भूला। धन दौलत मोह जाल के नशे में तो तू टूला है, धन दौलत मोह जाल के नशे में तू तो टूला। रुकम सिंह धीरान कहे, हाँ रुकम सिंह धीरान कहे, जब ओम नाम तू प्यारा, जीवन ये अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, है तूने यूं ही गुजारा। जीवन ये अनमोल रे, तूने
गुजारा है तूने यूं ही गुजारा। बड़ा कठिन है मानव का ये मिलना जन्म द्वारा, ये अनमोल रे तूने यूं ही गुजारा है तूने यूं ही गुजारा। जीवन ये अनमोल रे तूने यूं ही गुजारा है तूने यूं ही गुजारा है तूने यूं ही गुजारा है तूने यूं ही गुजारा। दुनिया के लोग ऐसे ही व्यर्थ में समय को बर्बाद कर रहे हैं। हम बहुत अच्छी ये पहल डॉक्टर सुनीता नेहरा जी की, जिन्होंने ध्यान की इस प्रक्रिया को ऑनलाइन ये चैनल के द्वारा चलाया हुआ है, बहुत अच्छी मुहिम चलाई हुई है कि लोग आपसे जुड़कर इस चैनल से जुड़कर के ध्यान लगा रहे हैं, ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, ईश्वर के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े बहुत अच्छी बात है। हम लोग अपने मानव तन का सही जो उद्देश्य है उसको पूरा करें, नहीं तो केवल दुनिया के भौतिक बाद में पूरा जीवन जा रहा है। जीवन का बहुत ज्यादा समय हम केवल केवल पैसा कमाने में लगे हुए हैं और कोई ईश्वर की ध्यान ईश्वर की भक्ति की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। हमें चाहिए कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, अपने जिम्मेदारियों को निर्वहन करते हुए ईश्वर की भक्ति ईश्वर का ध्यान जरूर करें, जो कि इस चैनल के माध्यम से हो रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। थैंक यू। धन्यवाद। हाँ हाँ सरिता मैम बोलिए, प्लीज आप बोलिए। मैम आप धन्यवाद आचार्य सूर्यदेव जी, आपने संध्या पूर्ण कर दी भजन के साथ, और अभी मैम संगीता जी आप संभाल गए। हाँ मैं यही कह रही थी कि जो सूर्यदेव जी कह रहे हैं कि भई ये हमारा जो जीवन है कितना अनमोल है, और मेरे को एक बात याद आ रही थी जब सूर्यदेव जी बोलने लग रहे थे तो मेरे को पत्री सर की एक दिन उन्होंने पूछा कि ऐसी बात हो रही थी जैसे अभी बताया ना, जैसे संतोष मैडम ने बताया कि नो हरी नो वरी नो वेस्टेज ऑफ टाइम, तो उसमें पत्री सर एक बार जब बात करने लग गए तो नहीं बोले कि जब हम ऊपर जाएंगे अपना ये शरीर छोड़कर है तो हमने ऊपर तो हम अपने आप ने देखेंगे तो के हमने सारा जीवन हमने के करा और के हमने हमारी आत्मा ने तसल्ली है अग भाई हमने यो करा और हम बहुत सेटिस्फाइड है, हमने बहुत कुछ करके जान लग रहे हैं आड़े ते। तो जब हम यहाँ तक जाएंगे तो उससे पहले अपनी आत्मा पे कोई बोझ नहीं रहना चाहिए, अपनी आत्मा पे कोई ऐसा बोझ ना हो कि भाई वो इतना पत्थर दिल या पत्थर जैसा बोझ हो और उसने हम लेकर जाए। तो यहाँ पे तो ये जो जीवन है जो सूर्यदेव जी ने बताया कि भाई ये जीवन अनमोल है और इसको ऐसे मत वेस्ट करो, तो जीवन वेस्ट करने के लिए लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे अब मैं ही बताऊं 40 साल से 25 साल से लेके शायद 19 साल छठी में लागी थी अग भाई ये आध्यात्मिकता की चीज है, 40 साल के बाद पता लगा कि भाई आध्यात्मिकता या चीज है और हमें ऐसे करना चाहिए। 40 साल गवा दिए छोटी चीज नहीं होती, और उसके बाद ये बात समझ आई कि भाई लोक कल्याण के लिए काम करना चाहिए, तड़के तो साल तई बस अपने ये तड़के मशीन ला लो, कपड़े धो लो, झाड़ू कर लो, पोछा कर लो, अरे कुछ और भी कर लो, यह तो जरूरी है। क्योंकि अज्ञानी और अज्ञानी दो शब्द गीता में भी बताए, जो दिन भर जो व्यक्ति अपने पर्सनल अफेयर्स में रहता है तो वो ज्ञानी बनेगा कैसे, है ना। तो इसीलिए हमें जीवन भर अपना ठीक है हमें जॉब करनी है, अपना काम करना है, अपने हमें अपने रोज के दैनिक कार्य करने हैं, लेकिन दैनिक कार्य करने के साथ साथ हमने अपना जो जो अपनी आत्मा का उद्धार है वो भी करना है साथ में। भाई शरीर शरीर एकला तो है नहीं, उसकी गल्या मन भी है, उसकी गल्या बुद्धि भी है, और उसकी गल्या या आत्मा भी जुड़ रही है। और आत्मा का भोजन के है, आत्मा का भोजन यो है कि भाई हम अच्छे काम करें। विवेकानंद जी को देखो याद करते हैं, वो चले गए लेकिन आज भी वो जिंदा है। कबीर जी को याद करते जिंदा है वो, उनकी इतनी ऊर्जा है, इतनी ओरा है,
अकबर आज भी हम उनको याद करते हैं, उनके दोहे बोलते हैं, कितनी बड़ी बात है। यहाँ से जाने के बाद भी वो सूक्ष्म रूप से हमारे साथ विद्यमान है। और हमने क्या करा, दुनिया गई, दुनिया आई, हमारे हमारे जैसे लाखों गए, लाखों आए, क्या फर्क पड़ा है? इस धरती पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जहाँ पे हमने, अगर हम अपने कबीर की तरह बने, पत्री सर यही तो बोलते हैं, अगर महात्मा बुद्ध जी से बनो, महात्मा बुद्ध। वहां मैं एक बार नेपाल में चली गई है संतोष मैडम, तो वहां पे वो जो है ना, वो ईंटों के ऊपर ना कुछ चमकीला सा लगाते हैं, अगर वो उनकी प्रेयर के रूप में लगाते हैं, मतलब श्रद्धा के रूप में लगाते हैं। ओके ठीक है, श्रद्धा के रूप में लगा दो, आप मंदिर जाओ, श्रद्धा के रूप में जाओ, वहां बैठो, मेडिटेशन करो, जो आपको मूर्ति अच्छी लगती है उसकी उपासना करो, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन अपने अंदर भी झांको, वेतम जो है, अपनी आत्मा का उद्धार क्यों कर करोगे? तो वो आत्मा का उद्धार करने के लिए तो आपको भीतर जाना ही पड़ेगा, ये भीतर में ना जाए बात नहीं बन सकती। तो यह बात बहुत जरूरी है। अग भाई हम अपने रोजमर्रा के शरीर के काम जैसे करते हैं, अपनी मन की खुशी के लिए कोई काम करते हैं, हम देखो संगीत सुनते हैं, गाने सुनते हैं, कभी कभी हमारा मन करता है कि भाई हम यो खाना बनाओ है, आज मेरा यो जी करा है। और आत्मा का जी क्या करेगा? आत्मा क्या करेगी? आत्मा के ऊपर तो सारा कुछ भी ना लिख रखा हमने, ऊपर जाकर नहीं कहेंगे भाई चलो हमने मंत्र पढ़ दिया, ओम भू ओम भू ओम सोय ओम मह, अरे बेरा नहीं, ऊपर के लोग का ना खुले, मारे दरवाजे ना खुलने लग रहे, क्यों हमने कराया नहीं कुछ? ऊपर पूछेंगे क्या करा नहीं, क्योंकि हमने तो बस यो कराया दड़किया तो साथ ही। मैं अगर अपनी बात करूँ तो 58 साल की रिटायर हो गई, बस न्यू ठीक है रिटायर होगी, और तो कुछ नहीं करा। तो करने के लिए तो बहुत कुछ है। वही सूर्यदेव जी ने अपने उसमें बताया कि भाई सारा जीवन हमारा जो है ये अनमोल है, कितना कीमती है, हम इसको व्यर्थ ना गवाएं। तो संतोष मैडम एक बार फिर से जो सुई आपकी तरफ घूम रही है 2 मिनट है, यह जो है धर्म डॉक्टर धर्मपाल मलिक जी कहाँ पर हैं, उनको मैं चाहूंगी कि वो एक बार बताएं कि आप ध्यान में जब आए थे, अरे पशुओं की सेवा कैसे करते हो, थोड़ी सी 2 लाइन तो आपको बोलनी है। तड़किया तो साथ ही कुत्तिया ने दूध पिलावा है, इंजेक्शन लावा है, इतना जख्म हो रहा है उनका इलाज कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े काम करने लग रहे हैं। देखो ये हमारा परिवार है, ये तो पूरी प्रकृति हमारा परिवार है ये। जी मैडम नमस्ते। मैडम नमस्ते सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से मैडम? जो आपको दिल से अंदर से आ रहा है वही तो बोल दो। हाँ ऐसा मैडम, जैसे अपने ध्यान में तो सारी चीजें सारे फील्ड खुले हैं, किसी पे भी बोल दो। जैसे मेरा आज दिल ऐसा करता है, जैसे हमें अपने स्पिरिट गाइड्स के बारे में, स्पिरिट गुरुज के बारे में जो कई बार जिक्र करते हैं ना जी, तो उसके बारे में, छोटा सा बच्चा था, मतलब एक दो पहली या दूसरी क्लास में था, तो हमारा बैकग्राउंड ये है कि पेरेंट्स खेती बाड़ी करते थे, हमारे मेरे ताऊ थे, मतलब वो एक बार बैल जो बुड़द होता है उसका अड़ में जुड़े के फाड़ी लग गई। हाँ। फाड़ी होती जो नीचे अपने जमीन को खोद के चलती है अड़ के नीचे, और हमारी एक दूर की रिश्तेदारी, मेरी दादी के भाई थे वो उस टाइम, ये बहुत पुरानी बात होगी समझो 40-45 साल पहले की बात होगी, वो VLDA थे जो आज का पद हमारा वेटनरी के अंदर, जो छोटे कंपाउंडर मान लो कहते हैं जिनको, वेटनरी कंपाउंडर, वो बहुत बड़ी उभर के थे बिल्कुल। उसमें तो मेरे घर वालों ने, ताऊ ने कहा कि भाई धर्मपाल तू जाके उड़े, वो पीलू खेड़ा के पास एक कड़वा गांव है, वहां वो उस पे थे ड्यूटी पे, वहां से जाके इस बुढ़द की दवाई लेके आ। ये तो भाई बहुत ज्यादा, पहले वैसे आमतौर पर मैं देखा करता कोई लोहे की चीज लग जाती ना जख्म पर तो पेशाब डाल दिया करते जी वो, या तो मतलब उसी बैल का पेशाब रोक के उस पर, क्योंकि पेशाब बहुत एंटीसेप्टिक होता है, लेकिन वो काफी दिन ठीक नहीं हुआ बड़ा। तो मैं जो है अकेला वहां इतनी दूर, पहले पता नहीं 5-7 साल ज्यादा, मतलब थोड़ा थोड़ा याद है बस, ज्यादा नहीं है, मैं किसी न किस तरह वहां पहुंचा। मतलब शुरू में बच्चा जैसे साइकिल चलाना सीखता है कैंची मार के, और कैंची से ऊपर तो पांव नहीं जाते थे जब तक,
वहां पहुंचा मैंने पता किया, पहले तो शर्म आती थी इतने छोटे छोटे बच्चों को यूं, तब कैसे जाके पूछा भाई फलाना मुंशी डॉक्टर है और उसको कहाँ की तरफ है बता। मैं जाके न उसको वो मेरे के पिछाना था, मैं फलाना फलाने का हूँ जी, इरनो उरनो है और मारे मेरा ताऊ निकलना है दर्द हो रहा है कोई दवाई दे। तो उसने जो है ठीक है भाई बेटा यह दवाई ले जा और उसको लगवा दिए। तो वो जो वेटरनरी सर्जन ने बैठता था ना मैडम, वो पिल्लू खेड़ा बैठता था वहां का कड़वा का उस टाइम में, तो वो मेरे को पिल्लू खेड़ा ले आया। उसने अपना कोई काम होगा सरकारी मतलब अपने बड़े अधिकारी से, तो मैं उसके गले गला आ गया, गले गला आ गया। तो मैं मेरे मन में यूं शर्म सी गया, मैं बोला महा भाई यू इतना बड़ा डॉक्टर है और वहा यू कौन होगा। बोला भाई यू हमारा अफसर, हमारा यू दादा था, वो हमारा दादी का भाई था तो दादा लग गया। दादा वहां यू के है, बोला यू भाई वेटरनरी सर्जन है जो आड़े को गणे अस्पताल उनके ऊपर है। तो मायो तो इसने इसका मतलब और भी घना ज्ञान है तेरे तभी। हाँ बोला भाई ये तो 5-6 साल का कोर्स करके सारे डांगरा कार पहुंच जाता। तो जैसे हम यू नहीं कहते कि भाई एक रोम नोम में मेरे को ना उस टाइम मतलब मैडम ऐसा हुआ कि भाई यो तो बढ़ना चाहिए ऐसा ऐसा डॉक्टर तो डांगरा किस तरह दवाई दे और मतलब पूरा जैसे भाई हम यू नहीं कहते भाई सेल सेल यू पुकारे, मुझे याद है वो बात। तो पता नहीं कैसे मतलब गाइड ने देखो क्या आयाम रचा, उसी टाइप से पढ़ाई की, मेडिकल ले ली, मेडिकल में मेरे 70-72% नंबर भी आए और फैमिली बैकग्राउंड अनपढ़ होने के कारण कोई उस टाइम यू भी नहीं बताया था भाई मेडिकल डॉक्टर भी बने हैं। जब तक तो मेरे ख्याल में कभी कंपटीशन भी नहीं, मैंने 82 में 83 में एडमिशन लिया था तो सीधा इसमें एडमिशन हो गया एचआईवी में, वेटरनरी सर्जन बन गया। तो कहने का मतलब स्पिरिट गाइड जो हमारा हम पुकारते हैं जो बनते हैं देखो किस तरह मतलब वो बात मुझे आज तक याद है मैडम। और उसके बाद कई आयाम ऐसे हुए कि जो जिस टाइप से चाहा मतलब वो बिल्कुल उसी तरह। दूसरी बात मतलब जैसे मैं आप सब लोगों को जो जैसे इस जूम पे जुड़े हैं ये आत्माएं, इन सबको ये बधाई जरूर देना चाहता हूँ कि हम लोग करोड़ों में से एक एक आदमी है, कोई करोड़ों में से एक एक एकाद इस रास्ते पे चल के और मतलब ये बहुत प्रोग्रेसिव सोल्स हैं। ये अपने आप को आप गर्वित महसूस करो कि इतनी भीड़ की दुनिया में इस टाइप के पथ पे चलना कोई ये छोटी सी बात नहीं है। और श्वास का जैसे मैडम को आज दिया था ये जो टॉपिक दिया हुआ था, श्वास तो इतनी गहरी चीज है, हम जब जन्मते हैं इसके साथ जन्मते हैं और जब तक मरते तब तक हम इसके सहारे रहते हैं। श्वास हमारे एक छोर पे तो क्या नाम है शरीर से जुड़ा और दूसरे छोर पे हमारी सोल से, अशरीरी जो तत्व है सोल उससे जुड़ा हुआ है। तो श्वास के ऊपर तो कैसी भी आप दुविधा में हो, मैंने ये प्रैक्टिकल कई बार देखा है कितनी विपत्ति में हो, हम एक बार उसी टाइम श्वास से जुड़ जाएं, उसी टाइम जुड़ जाएं तो वो सब कुछ एकदम जो है अंतर्ध्यान हो जाती है। कोई भी गलत विचार है, कोई भी अगर हमारे अंदर जो है तनाव चल रहा है, स्ट्रेस में है, आप एकदम से श्वास से जुड़ जाएंगे तो वो सारे जो है चीजें बिल्कुल से वो हो जाती हैं। तो स्पिरिट गाइड का मैडम एक दिन मैंने आपने ये जिक्र किया था, मैं कोथ कला मेरी जो पोस्टिंग थी आप कह रहे थे ना वो एक्सपीरियंस हाँ, बताना हाँ, एक कोई 5-6 पिल्ले छोड़ गए हमारे हॉस्पिटल में, छोटे छोटे पिल्ले, और मैं जो है मुझे बड़ी परेशानी हुई भाई वो 2-3 दिन से उसकी माँ दिखे नहीं और ये तो बड़े गंदे लोग हैं माँ भाई क्या करें। अब 5-6 पिल्ले वो बेचारे को वो हमने जो है एक थैली दूध की सुबह एक थैली शाम को उनको पिलाते, लेकिन यूं समझ नहीं रहा इसकी माँ, मैंने सोचा मर गई होगी क्या हो सकता है पता नहीं क्या। तो वैक्सीनेशन का टाइम था मैडम, उस टाइम में मैं गाँव में घूम रहा था स्टाफ के साथ, तो मैंने उनसे कहा बड़ा दुखी हो गया माँ भाई ये मामला क्या है कौन छोड़ के गया, कोई आसपास में पूछो भाई। एक लड़का था वहां पे मेरे साथ वैसे जो गांव में सीखते हैं दलवीर करके, मैंने कहा दलवीर तू अभी किसी भी तरह इसका पता लगा ये मामला क्या है, इतने पिल्ले कौन छोड़ के गया और इसकी माँ कैसे नहीं, या तो वो बीमार हो गए मर गया एक्सीडेंट हो गया और ये तो पालने बड़े मुश्किल हो जाएंगे। तो मैडम दुखी होते हुए मैंने मैंने वही सोचा भाई गाइड्स को, मैंने कहा भाई कुछ तो बताओ आप ये कुछ तो करो इसका। तो मैडम वो दोपहर को वैक्सीनेशन करके आए तो वो उनके कुतिया थी जो उनकी मदर थी वो आई हॉस्पिटल में एंट्री किया और उसके सिर के अंदर इतना बड़ा मैगेट वुंड हो रखा, इतने कीड़े पर रखे उसके कीड़े बिलबिलाट कर रहे मतलब और बहुत बुरा। उसको जब बेचारी को खुद कोई चो नहीं पड़े तो वो कहाँ उनके दूध पिलाएगी क्या, उसका बहुत बुरा हाल।
क्योंकि डॉग को जब कीड़े पड़ जाते हैं तो वो अंधेरा ढूंढता है, कहीं भी जाके ऐसी जगह घुस जाता है, या फिर भागता हुआ थकता ही नहीं, भागता ही रहता है, भागता रहता है, एनर्जी लॉस हो जाती है उसकी, भागते भागते एग्जॉस्ट हो जाता है। तो वो स्ट्रे डॉग था, स्ट्रे बिच थी, तो हमने कहा भाई इसको पकड़ा कैसे जाए, तो उनको हिम्मत दी मैंने, कहा भाई इसको किस तरह पकड़ो, तो उसको पकड़ पकड़ के मैडम उसके मैगेट वगैरह सब वो साफ किए, उनके कीड़े मारे, दो तीन दिन इंजेक्शन लगाए, वो तब जिंदा हुई, तब उसने अपने बच्चे पाले। इस टाइप के बहुत मतलब जहां भी होते हैं तो स्ट्रे एनिमल्स हर जगह होते हैं, तो ऐसी आदत सी बन गई कि मतलब ये जीवन का हिस्सा हो गया। और ये जो मैडम आपको आज अभी लेक्चर सुना रही थी धर्मपत्नी जी, ये जो है सुबह शाम मैडम ये 5-7 कुत्तों को जो है सुबह जमाती है, चाहे लेट हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इसी तरह शाम को 5-7-10 रोट पोके ने, और जरूर से जरूर। और एक वो आपने जब से आदत बताया था ना कि भाई हम भी पीछे जो है पक्षियों को रो दाना रिए, ऊपर कबूतर, ये कौवे, छोटी छोटी चिड़िया, उनका अलग दोपहर मतलब सुबह सुबह, तो और हमारे पीछे पिछले उसमें आंगन में एक बिल्ली और वो छोटा अब भी है, आजकल भी है हमारे आगे कुत्ते, सुबह सुबह 2-3 सांड भी आते हैं, वो आके बोलेंगे, मतलब ऐसा आनंद आता है कि जो इनके साथ जो कोऑर्डिनेशन के साथ जो लाइसन है उसका आनंद ही अलग है, और उसको हमें बयां कर ही नहीं सकते मैडम, और नहीं मतलब इतना कहा जा सकता, क्योंकि एनिमल्स की और प्लांट किंगडम की हम जितनी भी सेवा करें उसका आनंद एक अपना अलग आनंद है, वो आपको तो पता ही, आप तो हमारे से पहले जुड़े हो इस फील्ड में, आप तो यहाँ भी जींद भी पीछे हो गिलहरी पता नहीं क्या क्या आया करते, तो इसी हिसाब से हम भी जो है मतलब, हालांकि ये ध्यान में आने से पहले 17 से पहले भी हमारी ऐसी आदतें तो रही हैं, लेकिन 17 के बाद ध्यान में आने के बाद तो बिल्कुल ही कुछ ज्यादा ही गहनता होगी इस चीज में, और बहुत ध्यान से जो है हम ये कर रहे हैं, और कोशिश करते हैं कि जितना भी टाइम मिल जाए सुबह या शाम जैसे भी हो ध्यान करने की पूरी कोशिश करते हैं। सुबह कई बार ड्यूटी हमारी अर्ली होती है, तो जितना भी समय मिल जाए एक बार आंख खुलते ही सुबह भी जुड़ने की कोशिश करते हैं, जितना समय मिल जाए बैठते हैं, नहीं तो फिर अपना फटाफट नहाने धोने की कोशिश कर लेते हैं, तो इस तरह चलता है मैडम ये है। आपने एक बात और याद करा दी जी, आपको पता है आप भी थे और जय भगवान जी भी थे, और एक गाय जो है अपनी नंदीशाला में वो बच्चे को जन्म दिया था, हाँ, तो वो चल बसी थी, फिर उसको हम गाड़ी में रख के सरिता मैडम और ना हम उस बच्चे को ना छोटे से बच्चे, उसने आंखें खोल ली छोटे से बच्चे ने, और आंखें खोल के देखा, जैसे आंख से आंख मिलती है ना किसी का, मतलब जैसे वो कहते हैं ना प्यार हो गया, तो आंख से आंख मिली और उसको हमने गोदी में उठा लिया और अपने उसमें गाड़ी में रखा उसको, और उसको घर ले आए और घर लाके उसको पाला, तो उसका नाम हमने नंदी रखा कि भाई वो नंदी है, और फिर हमने बोतल खरीदी, बोतल में दूध पिलाया उसको, तो ये मतलब ऐसे दिल करता है कि ये दुनिया में ना, मतलब जो हम सोचें कि भाई अपना बस घर घर है और दो बालक हैं बस बतेरा हो गया, मतलब वो चीज अंदर से आती है कि ना 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 ना, बहुत बड़ी दुनिया है और बहुत बड़ा परिवार है, और उसके बाद फिर वो बड़ा हुआ, फिर सारे कहते हैं भाई बड़ा हो गया इसका क्या काम होगा इस बलद का, भाई बलद परिवार का हिस्सा, क्या काम होगा भाई, दिमाग में क्यों तुम ये भरते हो, उल्टी सीधी चीजें भरते रहते हैं हम, परिवार में कोई अगर जरूरी है कि कोई काम ना हो तो उसको काट दो घर से। आपके पास तो मैडम बहुत बहुत बड़ा काफिला हो रखा था, अभी सिरसा में तो यहाँ से ही काफी बड़ा था, इतने पशु हो गए थे, बड़ा हो, अभी तो और बड़ा बढ़ रहे हैं वो, और वो कितना मुश्किल से 2-3 बार तो कितना मुश्किल बचा था मैडम, बिल्कुल ऐसे हो गया आज तो ग्लूकोज और पता नहीं क्या क्या, एकदम तो रात को 8-9 बजे मतलब, तो अब मैं ये भी मानता हूँ मैडम इनके भी स्प्रिट गाइड्स हैं, इनके भी देखो वो इतने नंदी शाला में इतने कितने छोटे छोटे बच्चे और भी होंगे, और वो एक बच्चा है जो आप उसको उठा के ले आए और वो कहाँ कितनी उसकी सेवा हुई, तो दैट मीन्स इनके भी गाइड्स हैं, इनके भी वो हैं, और कुछ ऐसे वो हैं कि कई गाय कुत्ते ऐसे ऐसे हमारे पास लेके आते हैं मैडम, जो गाड़ी के नीचे आ गया टूट गया एकदम, रीढ़ की हड्डी टूट गई, वो भी सोल्स हैं, अब उससे देख के हम दुखी इतने होते हैं कई बार बहुत, लेकिन फिर ये चीज जब याद आती है कि हर सोल्स की अपनी यात्रा है,
हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम सेवा कर सकते हैं, वे जो हमारे बन पड़े वो हम करें, लेकिन उसका वो जीवन यात्रा तो हम नहीं बदल सकते। एक डॉग तो है जिसका एक टाइम खाना नहीं खाया कि उसको दोबारा उसी टाइम पूछा जाता है आज खाना क्यों नहीं खाया, और एक डॉग बेचारा नाली के सहारे पड़ा है, उसमें कीड़े चल रहे हैं, उसको कहीं यू भी देखने वाले नहीं कौन इसको रोटी दे या ना दे। तो ये सब कुछ सोल्स वही सोल जर्नी है मैडम, इसका तो हम दुखी तो होते। अभी नहीं समय आ रहा है डॉक्टर साहब, ये समय आ रहा है कि हम लोग जो मेडिटेशन में है या जो हम जागृत हो रहे हैं अपने प्रकृति के बारे में, पशुओं के बारे में, पौधों के बारे में, हाँ, तो ये अभी ऐसे पूरा सतयुग आ जाएगा और जिसमें सुबह शाम लगे रहते हैं, आप सब लगे ही रहते हैं, जब भगवान जी सुबह निकलते हैं शाम तक उसी काम में लगे रहे हैं, गौशाला में लगे रहते हैं। हाँ, ये भी मैडम है, ये गली में कोई कुत्ता हो उसको नहीं छोड़ती, उनके साथ फोटो खींचती है, प्यार करती है, उनको देती है, और क्या चाहिए, और चाहिए क्या हमें, यही मिलता है। तो चलो सरिता मैडम, आगे का क्या प्रोग्राम है आप जरा बताइए। थैंक यू संतोष जी, नमस्ते मैम, थैंक यू जी। हाँ जी मैम, आगे का प्रोग्राम तो आप ध्यान करवाएंगे मैडम, आपके साथ ध्यान करेंगे। ओके, अभी जो बातें चल रही थी उनसे मुझको थोड़ा सा मैं दो सब बोलना चाहूंगी मैम। एक तो मैम, मैं अभी जो आपने बताया 40 साल वेस्ट कर दिए आपने, मैं उसी पड़ाव पे हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं, बस ये 2-4 शब्द हैं उनको ही हेर फेर करके बदलती रहती हूँ, और हो सकता है कि मैं कुछ गलत भी बोल जाऊं क्योंकि मैं ज्ञानी नहीं, मैं अपने आप को मूर्ख मानती हूँ, तो उसके लिए मैं सभी से अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो माफी चाहूंगा। दूसरा, जैसे कि अभी बताया सर ने कि वो बच्चों की, 6 बच्चों की जो डोगी के बच्चे थी, माँ थी, वो उसमें माथे में जो वो कीड़े थे उसकी, ये मतलब इसके लिए अपने आप को कैसे तैयार करें। मेरा तो मतलब ऐसा स्वभाव है कि कोई मेरे सामने उल्टी कर दे तो मेरे को खुद उल्टी होने लग जाती है, तो मैं चाह के भी नहीं कर पाती वो चीजें, तो हालांकि सेवा भाव खूब है, करना चाहती हूँ, लेकिन फिर अपने आप को कैसे जीवन में ऐसी कंडीशन आती है कैसे तैयार करें। कोई बात नहीं, आप चिड़ियों को खाना खिला सकते हो ना, चिड़ियों को खिला दो, जितना आप पॉसिबल हो उतना खिला दो, गली के कुत्तों को रोज डालती है मैम मैं रोटी, जितना पॉसिबल हो उतना कर दो, ठीक है। हाँ चलो, हम 10 मिनट ध्यान में बैठते हैं। एक मैं बात कुछ बोलना चाह रहा था जी, सूर्यदेव जी। हाँ जी, ये एक देसी कुत्ती है। अच्छा, ये आप देख रहे हैं इसको, और इसका नीचे का जो है किसी ने डंडा मार करके ये नीचे का जबड़ा तोड़ दिया था। ओके, हाँ। नीचे का जो जबड़ा होता है ना मुंह, हाँ जी हाँ जी, ये नीचे का हिस्सा ऐसे टूट करके अलग हो गया था इसका। ओके। अब इसको फिर हमने डॉक्टर को बुला करके इसका इलाज कराया। इसके रोड पड़ी हुई है यहाँ पर इसके मुंह में, और अभी ये गलियों में खेलती थी, अभी ये मंदिर में ही रहती है। अच्छा। और बड़ा बड़ा मतलब हिल गई, और 3 महीने हो गए इसको, अब ठीक हो गई है। अच्छा। और एक मतलब जिसने ये इसको मारा था वो मार करके ऐसी जगह डाल दिया, मतलब 2-3 दिन इसको अधमरी सी पड़ी रही थी बस। इसको फिर हमने देखा सीढ़ियों में किसी के में पड़ी हुई थी, इसको देखा फिर डॉक्टर को बुलाया, सरकारी डॉक्टर को बुला करके इसको इलाज कराया, तो इसका ऑपरेशन किया, तो अभी ये ठीक है एकदम। इसका एक प्रकार से थोड़े से सहयोग से इसका नया जीवन बन गया। यू आर ए ग्रेट सोल सर, बहुत बड़ी बहुत बड़ा काम है ये, बहुत बड़ा। अच्छा, नहीं तो ये मर गई होती। बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये बच्चों के साथ में खेलती है, बस भाई बता रहे थे, मैंने कहा मैं भी बता देता हूँ, देखो अभी हमारे साथ में ये है। ठीक है, बस यही बताना। हाँ, थैंक यू सूर्यदेव जी। मतलब ये देखो, अब अपने, मेरे को लगता है कि अपने चैनल के 2 नारे और बन गए हैं। एक तो हम बोलते ही है नो वरी, नो हरी, नो वेस्टेज ऑफ टाइम। एक जो आज जो हम ये कहेंगे कि पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, ये भी एक बहुत बड़ा नारा है। और हम दो, हमारे दो नहीं, पूरा परिवार, पूरा प्रकृति जो है हमारा परिवार है, ये हमारा परिवार है ना, ये सब हमारा परिवार है।
इसको भी हम अब बिल्कुल. पांच नारे हो गए हमारे, जी तो मैम. इनको भी हम दो दो नारों को और साथ में हमेशा बोला करेंगे, ताकि हम ये जन जन तक जागृति पहुंचाएं कि हम अपने परिवार से बाहर निकल के जिन गद्दों के ऊपर हम सोते हैं, जिन लकड़ी के गद्दों पे सोते हैं, वो पेड़ पेड़ से ही आए हुए हैं. जिनसे हम दूध पीते हैं, मक्खन खाते हैं, घी खाते हैं, ये पशुओं से ही आए हुए हैं. तो ये चीजें भी हमें याद रखनी है. तो चलिए अब हम 10 मिनट ध्यान कर लेते हैं. नवरात्रि चल रहे हैं तो आंखें बंद कर लीजिए. आंखें बंद, हाथ में हाथ, पैरों को क्रॉस कर लेंगे और अपनी ही मस्ती में, अपनी ही फकीरी में आंख बंद करके बैठ जाएंगे. कितना मजा आएगा जब हम अपने नजदीक आ जाएंगे. और जैसे ही हम अपने नजदीक आते हैं, हम पूरे विश्व के साथ, पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे भीतर उस जागरूकता के साथ जाने लगती है. आंखें बंद, चश्मा उतार के एक तरफ रखेंगे, हाथ में हाथ, पैरों को क्रॉस कर लेंगे. शरीर पूरा ढीला, कहीं पर भी हम कुर्सी पर, बेड पर बैठ सकते हैं. और बाहर से ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने सांसों के द्वारा अपने अंदर, और भीतर से नीचे के मूलाधार चक्र से फिर से वापस बाहर. यही हमारी नवरात्र में तीन शक्तियां हैं जो हमें कण कण में जागृत करती हैं. यही प्राण शक्ति है जो हमारे रोम रोम में प्रसारित होती है. बाहर से अंदर जाती हुई सांस, और अंदर से बाहर निकलती हुई सांस, काय उपासना, विपासना. जैसे जैसे हम अपनी सांसों के साथ जुड़ते हैं, वैसे वैसे हम पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे शरीर में एकत्रित होने लगती है. और जैसे जैसे हमारी ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे शरीर में इकट्ठी होती है, वैसे वैसे हमारा तीसरा आंख, तीसरा नेत्र प्रकाशित होने लगता है. वो पड़ा हुआ उसके ऊपर बादलों का आवरण, हमारे विचारों का आवरण हटने लगता है और हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं. यही प्राण शक्ति, यही कुंडलनी शक्ति, यही स्वरूपणी शक्ति, तीनों शक्तियां मिलकर हमारे उस दिव्य चक्षु को रोशन कर देती हैं. सिर्फ और सिर्फ बस अपनी सांसों के साथ आना और जाना. सांस ही मेरा गुरु है, सांस ही मेरा मित्र है. जैसे जैसे हम अपने प्राणों के साथ जुड़ते हैं, वैसे वैसे हम हमारे मन के विचार शून्य होकर हम अपने उस आनंद शरीर के साथ, महाकारण शरीर के साथ जुड़ जाते हैं. मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं इस धरती पे? कुछ सेकंड के लिए अपने आप को जवाब दीजिए कि मेरा धरती पे आने का मकसद क्या था, मैं क्यों आया हूं, और जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं क्या लेके जाऊंगा. अनेक जन्मों की यात्रा करते करते इस जन्म में भी मुझे क्या करना है, ये आत्मज्ञान हमें ध्यान से मिलता है.
बिना ध्यान के, बिना सांसों के साथ जुड़े हुए हम आत्मज्ञानी नहीं बन सकते। इसीलिए हम अपनी बाहर से भीतर जाती हुई सांस और भीतर से बाहर निकलती हुई सांसों के साथ जुड़ जाएं। जब हम आत्मज्ञानी बन जाते हैं तो धर्म अपने आप आ जाता है। हमें क्या करना है, क्या बोलना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कब नहीं बोलना है, कब सुनना है, ये सब चीजें धर्म आत्मज्ञान के बगैर नहीं आता। धर्म का आचरण करने के लिए हमें ध्यान सीखना ही है, योगी बनना ही है, आत्मज्ञानी बनना ही है। इस संघ की बुद्धि से हम आत्मज्ञानी नहीं बन सकते। इसीलिए हम प्रतिदिन जब भी समय मिले हम ध्यान में बैठ जाएं। सुबह, शाम, दोपहर, रात, जब आपका दिल करे। फकीर बनना है, ये फकीरी कुछ भी तो नहीं करना, ध्यान करना है, शाकाहार रहना है और साजन संगत करना है। आज इस चैनल पर कितने डिवाइन मास्टर्स, ब्यूटीफुल मास्टर्स हैं। हम सबका एक सोल फैमिली है और हमारे मन के और कारण शरीर के कोई भी कर्म है उनको, जैसे पुराने कपड़े हम बाहर निकाल के फेंक देते हैं, इसी तरीके से हमारे जो कारण शरीर में जुड़े हुए, संग्रह किए हुए कोई भी हमारे संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, आगामी कर्म है, उनको यही छोड़ दीजिए और महाकारणों सानंद शरीर में बैठ जाइए। अपने आप चला जाएगा। बड़ा रोशनी है तो अंधकार नहीं। ये अंधकार जैसा कारण शरीर, मन शरीर, ये सब छूट जाता है जब हम ज्यादा अपनी दिव्य चक्षु की रोशनी हमारे शरीर से बाहर निकलने लगती है। इतना साधारण सरल है कि हम अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएं। बाहर से अंदर जाती हुई सांस और अंदर से बाहर निकलती हुई सांस और अपनी सांसों की आवाज, ये आपका खुद का संगीत है। बाहर का संगीत नहीं, अंदर का संगीत चाहिए, अंदर की गुनगुनाहट चाहिए। बिना वाणी के भी आपके अंदर से सांसों का संगीत बजता है, आपका खुद का अनंत नाद है। यही अनंत नाद आपको खुद अपने अंदर के अंतःकरण से सुनता है। जब आप शांत अकेले कमरे में बैठे होते हैं, ये सांस ही, ये अनंत नाद ही आपका सच्चा दोस्त है। यही दोस्ती है जो हमारे सारे लोगों के दरवाजों को खोलती है। धीरे धीरे हम जिस तरीके से इस धरती पर हमें कार्य दिया जाता है कि हम पशुओं की सेवा करें, पक्षियों की सेवा करें, मनुष्य की सेवा करें, इसी तरीके से दूसरे वर्ल्ड में भी हमें कार्य दिया जाता है। अभी फिर नहीं, अभी जब हम रात को सोते हैं तो हमारी ये जो परमात्मा है ये अनेकों काम करने के लिए दूसरे लोकों में विचरण करती है, क्योंकि हम तैयार हो गए हैं दूसरे ब्रह्मांड में काम करने के लिए। अनेकों अनेकों काम करने हैं, सोना भी है, जागना भी है, परिवार के साथ भी रहना है, आनंद से भी रहना है और अपनी आत्मा को उद्धार भी करना है।
मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इसका जवाब आप अपनी डायरी में पक्का से पक्का लिखिए। ये प्रकृति और पुरुष जो कण कण में है, पार्वती और शिव, ये दोनों दृश्य और अदृश्य दोनों स्वरूपों में हमारे साथ विद्यमान। हमारे शरीर में जो पीछे रीढ़ की हड्डी है, जिसमें ये चक्रास है, ये हमारा पुरुषत्व है। और शाखाएं हमारे शरीर में फैली हुई है, प्रकृति है, दोनों कभी जुदा नहीं हो सकते। इसी तरीके से हमारे शरीर में सोम और सूर्य कभी जुदा नहीं हो सकते। इन तीनों शक्तियों को इस नवरात्र 9 दिन अपनी उन महान शक्तियों को जो हमारे शरीर में परिवर्तन करती हैं, उनको हम तहे दिल से नमन करें। चाहे हम उसको मूर्ति रूप में करें, चाहे उसको हम शक्ति के रूप में करें, चाहे हम उसको रोजमर्रा के कार्यों के रूप में करें, चाहे हम उसको प्राण शक्ति के रूप में करें, कुंडलनी शक्ति के रूप में करें, और जो हमारा बचपन से लेके बुढ़ापे तक स्वरूप बदलती है उसके रूप में करें, लेकिन करें। जैसे पत्री सर कहते हैं कि आप ज्ञान या आप राजयोग करिए, आप भक्ति योग करिए, आप हठ योग करिए, कुछ तो करिए। इसी तरीके से हमें उस शक्ति को कभी नहीं भूलना। मेरी सांस आ रही है और जा रही है। आखिरी 1 मिनट अपने आप से दोस्ती, अपनी अनद नाद से दोस्ती, यही सच्चे मित्र हैं। क्योंकि दूसरे वर्ल्ड में भी प्राण और हमारा जो कारण शरीर है, महाकारण शरीर है, वो जाता है। अनेकों अनेकों काम हम करते हैं, हम छोटी चीज नहीं है। हम जो अपने आप को शरीर को शीशे में देखते वो नहीं, कुछ और है। यही हमें समझना है और यही ध्यान का हमारा उद्देश्य है कि हम ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से, नाद साधना के माध्यम से हम अपने आप को पहचाने कि हम एक बूंद के रूप में सागर हैं, किरण के रूप में सूर्य हैं, आकार के रूप में निराकार हैं, मानव के रूप में माधव हैं, आत्मा के रूप में परमात्मा है। अपने आप को हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ध्यान के माध्यम से अनेक लोगों को जागृत करने के लिए यहाँ धरती पर आए हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आराम से मस्ती से अपने हाथ उठाकर अपने चेहरे पर रखें और धीरे धीरे अपने हाथ हटाते हुए अपने
तो अपने आप से प्यार होने लगे। थैंक यू सरिता मैडम, आप संभालिए। अब हम समापन करते हैं, आप समाप्त कर दीजिए। थैंक यू संगीता मैम जी, सच में ध्यान लगा के पूरे दिन की थकान उतर जाती है और बहुत अच्छा लगता है। और मुख्य रूप से संतोष मैम जी का धन्यवाद, जो मुख्य वक्ता के रूप में थी, उनके साथ सच में ही ऐसे लग रहा था संतोष की अनुभूति हो रही, मतलब अपने आप ही अंदर से शांति अनुभव हो रही थी। और उनके बाद फिर आचार्य सूर्य देव जी, मैंने पार्टिसिपेंट्स में उनका नाम तो पढ़ा था लेकिन सामने से आज देखा था उनको, सच में उनकी आवाज सूर्य के समान लगी मेरे को। सच में बहुत तेज है उनके व्यक्तित्व में, उनके ओरा में। और संगीता मैम, आप तो पूरा ब्रह्मांड है, आपके साथ तो सच में किसी चीज की कमी रहती ही नहीं, सूर्य चंद्रमा सब है आपके साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमसे जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारा तीसरा दिन होगा, कल फिर हम जुड़ेंगे एक नए वक्ता के साथ, कल हमारे साथ एक मुख्य वक्ता होंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे। सरिता दया, ए सरिता मैडम तेरा भी धन्यवाद, बहुत अच्छा बोली बेटा, बहुत बढ़िया एकदम। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। बाय, कल मिलते हैं। बाय मैम।